पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि सीता जी के रूप में मुझे वहाँ पे बुलाया गया था, और हेलीकॉप्टर से हमारा वेलकम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। जब बिकनी का फोटो डालना था, मैंने डाला है अपने इंस्टाग्राम पे, तो मुझे पता था कि ट्रोलिंग होगा। प्यार दिखाने के लिए तो शब्दों की जरूरत नहीं है, झलक दिखला जाए। डेफिनेटली मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। अपने बच्चों को ग्रो होने दो, उनको बाकी चीजें भी दिखाओ फोन के अलावा। वैसे तो रामायण में सीता जी का कैरेक्टर बहुतों ने प्ले किया, लेकिन उसमें कुछ ही लोग थे जो लोगों के दिलों में छा गए, और उनमें से शिव्या थी जिन्होंने सीता जी का कैरेक्टर प्ले किया था। और आज हमारे साथ हैं जो बहुत सारी बातें करने वाली हैं, सीता जी के बारे में, ऑफ कोर्स अयोध्या के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, और भी बहुत कुछ होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। हेलो शिव्या। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? बहुत 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 अच्छी हूँ मैं। और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आज हम एकदम नेचर के बीच में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि सीता, राधा, पार्वती या जो फेमिनिन नेचर है, वो उसका मतलब ये होता है कि वो नर्चरर होती है, क्रिएटर होती हैं और नेचर होती है। तो आज हम दो लेडीज नेचर के बीच में हैं और हम बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और सभी खुशहाली, मतलब हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। बताइए आपने क्या किया? देखिए, ये तो दिवाली थी पूरे हिंदुस्तान के लिए, तो दिवाली मैंने भी मनाई है। बहुत 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 लकी हूँ मैं, क्योंकि मैं लास्ट ईयर अयोध्या में सीता जी बन के गई थी। तो मतलब एक होता है ना कि रामायण एक ऐसी स्टोरी है, स्टोरी बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बचपन में हमें कहानी की तरह सुनाई जाती थी। तो अगर आप बच्चे बच्चे से पूछोगे तो उन्हें पता है कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है, हनुमान जी कौन है। तो कहते हैं ना कि कई चीज़ों से आपके इमोशन जुड़े होते हैं, वैसे हमारे इमोशन रामायण से जुड़े हैं। अयोध्या की बात कर रहे थे, एज अ लाइक हम एक आम इंसान जो हमने एक कैरेक्टर नहीं प्ले किया है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतनी खुशियाँ थी। आपने इस कैरेक्टर को जिया है, आप सीता जी बनी थी और सबके दिलों में छाई रहीं, आज भी आपको लोग उस कैरेक्टर से याद करते हैं, तो आपके लिए कितना स्पेशल था? जब मैं ये बात सोचती भी हूँ तो मुझे लगता है कि इसको वर्ड्स में कैसे डिफाइन करूँ मैं कि कितना स्पेशल था मेरे लिए। स्पेशल है, मुझे लगता है कि जब मैं ये कर रही थी कैरेक्टर्स, तो सबसे पहले तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सीता जी के लिए या राधा के लिए मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। पर जिस दिन मुझे पता लगा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था जब मेरे पापा ने बोला था कि मैं ना, मेरी आप बेटा लाइफ में आगे कितने भी किरदार करो, पर मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा विश ये था कि आप सीता जी बने। मेरी दादी शी मतलब वो अब नहीं है, वो शी इज़ पास्ड अवे, बट हर नेम वॉज सीता। एंड हमारे घर पे बचपन से अगर कोई एक कहानी हमेशा सुनाई गई है तो वो रामायण की है। तो हमारे लिए तो कहानी थी, अगर आप बच्चे बच्चे से पूछ लोगे तो उन्हें पता है कि सीता जी कौन है, राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है। मैं कैसे बताऊँ कि हर चीज़ में ना कई बार कोई बहुत छोटी सी चीज़ होती है और वो हमारे लिए बहुत वैल्यू करती है, क्योंकि उसमें हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो रामायण से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और साथ में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कल हो गई, तो उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने देखा था, हम क्योंकि इतने शोज़ कर चुके हैं ना, तो उसमें कृष्ण जी का एक मेरे फ्रेंड हैं, मेरे भाई हैं सुमेध, जिन्होंने वो प्ले किया है, उनका एक डायलॉग था, डायलॉग नहीं है कुछ, उन्होंने कहा था कि जब राम जी अयोध्या में वापस आएंगे ना, तब दिवाली होगी। तो कल तो दिवाली का माहौल था, और मुझे लगता है कि अब पूरा देश जितना खुश था उतना ही मैं भी खुश हूँ, और अभी तो बहुत कुछ हमें देखना बाकी है आगे। बट आप वहाँ पे नहीं गई? मैं वहाँ पे नहीं गई क्योंकि मैं यहाँ पर काम की वजह से रुक गई, मेरे कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थी, उनकी वजह से मैं नहीं जा पाई। बल्कि मैं सच में बताऊँ, वो प्लान्ड था, जाने वाले थे, हमारी टिकट्स हो चुकी थी, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड जाने वाली थी, बट कहते हैं ना कि कर्म प्रधान होता है। और उससे ज़्यादा खूबसूरती की बात यह है कि लास्ट ईयर मैं अयोध्या में थी, और मैं मतलब जब मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ वो, मेरे पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि सीता जी के रूप में मुझे वहाँ पे बुलाया गया था,
और हेलीकॉप्टर से हमारा वेलकम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था दिवाली से एक दिन पहले, जिसने अयोध्या दीपोत्सव जिसको कहते हैं, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया था, इतने दिए जले थे। और सबसे स्पेशल मोमेंट मेरे लिए ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारी आरती की उन किरदारों में, उसके लिए मेरी बॉडी यूज़ हुई है। मैं मतलब इतनी थैंकफुल हूँ भगवान से कि मैं आई थिंक इस जन्म उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं हो पाऊँगी, इतना ज़्यादा थैंकफुल हूँ, इतनी ग्रेटफुल हूँ। और मोदी जी ने उस वक्त जब कहा था, मैं वो एक ऐसी चीज़ है कि मेरे कानों से निकलती नहीं है, उन्होंने कहा था कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप अयोध्या में सीता जी बन के आई हैं। और मैं सच में बता रही हूँ आपको कि अपने देश के प्रधानमंत्री से ये सुनना, ये शब्द सुनना, वहाँ पे बैठना, वो फीलिंग कुछ और थी। उस वक्त मुझे लगा कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे, मेरे कुछ तो पिछले जन्म के कर्म है कि मैं वहाँ पे बैठी हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स उससे ज़्यादा प्राउड कभी नहीं हुए। और जितने माइथोलॉजिकल शोज़ मैंने 3 किए, उनका जो रिवॉर्ड होता है ना, वो रिवॉर्ड वहाँ पे मुझे लास्ट ईयर अयोध्या में मिला। इसलिए मैंने कहा था ना कि बहुत सारे लोगों ने ये कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन उसमें से कुछ ही हैं जो सबके दिलों में छाए। और ऑफ़ कोर्स आपने जिस खूबसूरती से उसे बयां किया वो काफ़ी अच्छा था। कितना इसका आपको ना, एक तो आपने बताया पिछले जन्म के ऐसे कुछ कर्म अच्छे थे जिसकी वजह से हुआ, इसका कितना जब आप कहीं जाती हैं रिलेटिव्स के यहाँ मार्केट प्लेस में, तो हमने देखा है जो लोग भगवान का किरदार प्ले करते हैं ना, वो ऑडियंस के लिए भगवान हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अरुण गोविल और दीपिका जी की फ़ोटोज़ कैलेंडर पे अभी भी लोग पूजा करते हैं, अगरबत्ती आरती धूप सब करते हैं। आपके लिए वो कैरेक्टर के बाद जो एक भगवान वाली धारणा लोगों के मन में आ जाती है, वो कितना आपने देखा? और कभी आए पैरवर छूने के लिए? एक इंस्टेंट मुझे इंस्टेंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक इंसिडेंट है। जब मैं शूट पर थी तो अराउंड 80 से 90 के बीच में कोई दादी माँ थी जो आई थी, और वो मेरे पैर छूना चाहती थी। और मेरे को ना उस वक्त समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे तो मेरी दादी दिखी, और मुझे उस वक्त लगा कि ओके ओके, मैंने वो मतलब सीता जी के कपड़े पहने हैं और उनके लिए मैं सीता जी हूँ, तो मेरी उनकी आंखों में आंसू थे। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं, आपको कोई अवार्ड भी दे देगा तो इससे बड़ा नहीं है, जब लोग आप में इतनी आस्था रखते हैं कि आपको। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। मुझे लगता है कि मेरी पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनकी वजह से मैं सिलेक्ट होती हूँ, जिनकी वजह से मैं ये किरदार कर पाई। बाकी थोड़ा सा जनरेशन का फ़र्क आया है, क्योंकि हम 2024 में हैं अभी, 21st सेंचुरी में। यहाँ पे लोग थोड़े से सोशल मीडिया की वजह से अवेयर हैं और हमें एज एक्टर्स पसंद करते हैं। तो मैंने वेब शोज़ भी किए, मैंने म्यूज़िक वीडियो किया, मैंने माइथोलॉजिकल शोज़ किए हैं, तो सब में मुझे बहुत प्यार मिला है बहुत। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने राइट टाइम पे मैं एक्टर बनी हूँ, क्योंकि मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कर पाई। कभी इसका नुकसान हुआ शिव्या? क्योंकि जब एक कोई भी एक्टर भगवान या कोई एक पर्टिकुलर रोल कर लेता है और उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, फिर दूसरी टाइप के रोल मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। नहीं, मुझे, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे 21st सेंचुरी में और इस टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे, डिजिटल इंडिया के टाइम पे मैंने ये कैरेक्टर्स किए। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक दिन पहले मैं पार्वती जी का रोल कर रही थी, और नेक्स्ट डे मैं अपने वेब शो के वहाँ पे मैं एक प्रीति हिमाचल की लड़की हूँ जो कैफ़े चलाती है, और वो बिल्कुल बिंदास है, वो मेरी तरह बात करती है। तो वो दोनों मैंने फेजेस देखे, और मैं ब्लेस्ड थी यार कि मतलब मुझे लगता है कि अगर आप पे, आपको खुद पे विश्वास है ना, और आपको पता है कि आप सब कर सकते हैं और आपकी चॉइसेस वैसी हों, तो नहीं होता। और मैं ये वर्ड ना मतलब सुन भी नहीं सकती कि मैं बहुत छोटी थी जब महादेव आते थे शो में टीवी पे, तो ना जो पार्वती थी, तो मेरे पड़ोसी और मेरे पापा वगैरह ऐसे बोलते थे कि ये पार्वती जैसी दिखती है ना, तो वो ना मेरे बहुत बचपन का ड्रीम था कि क्या मैं कभी वो बन पाऊँगी। और राधा, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की कोई भी लड़की नहीं है जो राधा नहीं बनना चाहती। तो ये मतलब आपको, मेरे को लगता है कि पता नहीं कौन से कर्म करने पड़ते हैं जब आपको ये किरदार मिलते हैं, और मेन प्रोटैगनिस्ट, और इतना प्यार लोग आपको करते भी है। क्योंकि मुझे
याद है एक राधा जी की बहुत कहानी है कि एक बार मैं एक ऑडिशन पे गई थी, स्ट्रगल पीरियड था, किसी ऑडिशन पे थी, तो एक लड़की मेरे साथ बैठी थी, तो उसने किसी पीछे से कोई लड़की आई उसको बोला कि राधा के ना ऑडिशंस हो रहे हैं, तुम ना जाके देख आओ, तुम दिखती हो उनकी तरह। मैं वहाँ पे बैठी थी और उसने मुझे नहीं बोला। मैं घर गई, मैं बहुत इमोशनल हो गई, मुझे रोना आया, मुझे लगा कि राधा ऐसी कैसे दिखती हैं कि उस लड़की ने मुझे कैपेबल भी नहीं समझा ये बोलने का कि जाके ऑडिशन देकर आओ। तो मुझे इतना बुरा लगा, मुझे ऐसे लगा कि यार मैं राधा नहीं लगती क्या, मतलब ऐसा क्या है, वो मुझे बोल सकती थी ना, सिर्फ ऑडिशन ही तो देना था, सिलेक्ट नहीं होती तो देखा जाता। कट टू 2 साल के बाद मैं राधा के लिए सिलेक्ट हुई, राधा रानी के लिए, और मैंने वो रोल किया। तो मुझे लगता है कि लाइफ में अगर आप खुद पे विश्वास करते हो ना, और आपको कॉन्फिडेंट है, और आप दिल के सच्चे हो, तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलता ही है। जैसा कि आपने मेंशन किया, सोशल मीडिया का ज़माना, डिजिटल ज़माना, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि अगर कोई कैरेक्टर एकदम सीधी सादी स्वभाव, सरल स्वभाव, या भगवान, या एकदम वो साड़ी पहनने वाली कैरेक्टर होती है, और अचानक से वो बिकनी में दिख जाए या कोई शॉर्ट ड्रेस में दिख जाए, तो ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी बहुत होती है। तो राधा, पार्वती, सीता, क्या आपको इसके बाद कभी इस ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है? आपने कोई फ़ोटो पिक की हो, या फिर कहीं ना कहीं मन में कभी ये आपके डर था कि अगर मैं ये फ़ोटो पोस्ट करूँगी तो मैं ट्रोल हो सकती हूँ? मतलब ये एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है शुरू में जब मैंने इंडस्ट्री में काम शुरू किया था तो मैं मुस्लिम लड़की थी, फर्स्ट मेरा शो, सेकंड मैं राजस्थानी लड़की थी, थर्ड पंजाबी लड़की थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने माइथोलॉजिकल स्टार्ट किया। तो जब मैंने जब बिकनी का फ़ोटो डालना था, मैंने डाला है अपने इंस्टाग्राम पे, तो मुझे पता था कि ट्रोलिंग होगा। हाँ। बट वो फिर अब मतलब ट्रोलिंग तो पहले भी होती आ रही थी। मेरे एक शो में मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई थी यूट्यूब पे कि मैंने प्रोड्यूसर्स को जाके बोला था कि मुझे नहीं लगता कि मैं करेक्ट हूँ। तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने बोला था कि शिव्या, अगर तुम काम अच्छा करोगी, कैरेक्टर अच्छा करोगी, कि लोग भूल जाएंगे तुम कैसी दिखती हो, लोगों को तुम्हारे किरदार से प्यार हो जाएगा। जी। मैं आज भी उसी में बिलीव करती हूँ। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और ट्रोलिंग पार्ट ऑफ आर इंडस्ट्री है। अनटिल अनलेस मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, कुछ गुनाह नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ से डरना चाहिए। और वैसे लोग बहुत सपोर्टिव भी रहे हैं। वो ट्रोलिंग भी मैंने देखी है तो वो 80-20 का रेशो है। अच्छा, फिर आप लकी हो। करेंटली कितने शोज हैं साथ में, किसके लिए आप शूट कर रहे हैं? अभी मैंने अपना एक वेब शो ख़त्म किया है जो पोस्ट प्रोडक्शन में है, जो कि आने वाला है मार्च में, जिसके लिए तो डेफिनेटली मुझे लगता है हम लोग वापस से मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका नाम है प्लॉट 1/2। और बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगर आप लोगों की दुआएँ रही और आप लोगों ने मुझे प्रे किया, अगर आपने भी बोला कि ठीक है मैं प्रे करूंगी कि आपको अच्छा काम मिले, करेंगे, तो फिर हम जल्दी मिलेंगे और जल्दी बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ। तो वेब शोज़ की बात करें तो वेब शो है ना, तो एक टीवी सीरियल्स और मूवीज़ के बीच का एक ब्रिज जैसा है जिसने कनेक्ट किया है सबको और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें भी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टीवी में नहीं कर सकते और बॉलीवुड में नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो इंटीमेट सीन्स हैं, बोल्ड सीन्स हैं, आप उसके लिए कितनी ओपन हैं और कितने ऐसे ऑप्शंस ऑफर्स आते हैं? ऑनेस्टली जब भी कुछ ऐसा ऑप्शन आया है और मुझे लगा है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सेल करना है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटीमेसी कहानी का पार्ट होती है, ज़रूरी होती है, तो कुछ बहुत अच्छा कंटेंट बनाए जिसमें बहुत ज़रूरी है तो वो है। वरना मुझे लगता है कि यार जब मैंने राधा जी किया और जब मैंने ऐसे कैरेक्टर्स किए ना जहाँ पे मुझे लगता है प्यार दिखाने के लिए तो शब्दों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आंखों से दिखा सकते हो, आपकी आंखें बता सकती है कि आप इंसान से कितना प्यार करते हो, दर्द है नहीं है, वो भी बिना कुछ कहे, बिना आंसू झपकाए, आपकी आंखें इतनी पावरफुल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लेंस से मैं नहीं देखती। अभी मैं ओपन नहीं हूँ, बट लाइफ में आगे क्या होगा पता नहीं। अभी मैं बहुत अच्छे फन कंटेंट के लिए ओपन हूँ, जो जैसे मैंने कहा यार प्यार दिखाने का तो वो भी तरीका है, मैं उस तरीके से अगर मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे तरह के मिलेंगे जैसे मैं करना चाहती हूँ तो मैं उनके लिए ओपन हूँ। व्हाट अबाउट रियलिटीज़?
रियलिटी शोज़, यस। मैंने ना 2014 में, मुझे जून में 10 इयर्स हो जाएंगे इंडस्ट्री में जी। तो इंडस्ट्री में नहीं, बॉम्बे में आए हुए, तो मैंने ना एक इंटरव्यू दिया था कि जब तक मैं खुद को एज एन एक्टर प्रूव नहीं कर लूँगी तब तक मैं रियलिटी शोज़ नहीं करूँगी। तो मुझे नहीं लगता वो जर्नी कभी ख़त्म होगी यार, मैं तो हमेशा सोचती रहती हूँ कि इससे बेटर हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर कुछ अच्छा रियलिटी शो, अगर कुछ बहुत मज़ेदार होगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। मज़ेदार कौन सा है, स्टंट वाला, खतरों के खिलाड़ी टाइप डांसिंग, या बिग बॉस, कौन सा? खतरों के खिलाड़ी में मुझे डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मैं यार मैं बहुत डरपोक हूँ। मुझे मैंने महाकाली किया है, मैं हार्नेस वार्नेस कर सकती हूँ पर मैं बहुत सारे कीड़े मकोड़े नहीं खा सकती, मैं हाइट पे इतना नहीं जा सकती। झलक दिखला जा डेफिनेटली मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, वो मैं करूँगी ही करूँगी। उसके बाद अगर आप बात करें बिग बॉस की, तो मैं इस बार मैंने फॉलो किया है, तो इट इज़ समथिंग, मुझे लगता है मेरा नज़रिया और देखने का जो तरीका है वो बिग बॉस के लिए बदला है ओवर द ईयर्स। सो अभी मैं काफ़ी मैं फॉलो भी कर रही हूँ और मुझे पसंद भी है, वो अच्छा शो है। तो चलिए फिर बिग बॉस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जो नज़रिया आपने बोला कि बदला है, ये बताइए क्या बदला हुआ है? हाँ, पहले ये बहुत फ़नी चीज़ है कि मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी जब बिग बॉस शायद स्टार्ट हुआ था, और मेरे घर पे मेरे पापा को पसंद नहीं है तो हम चुपके चुपके देखते थे क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग लगता था। तो पापा के रूम में, जैसे पापा आते हैं तो रिमोट से चैनल चेंज हो जाता है, पापा के कमरे में नहीं होता है बिग बॉस। अच्छा। हाँ नहीं, आज भी नहीं। अगर जैसे हमारे रूम में शिमला में पापा आए हैं और पापा उस कमरे में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं हमारे साथ, हमने बिग बॉस लगाया तो न्यूज़ चैनल लग जाएगा। तो एक तो वो वाली याद है। दूसरा मुझे लगता है कि मुझे पहले लगता था कि क्यों करना है बिग बॉस, मतलब क्यों, अगर करियर आप एक्टिंग और ये सब कर रहे हो। पर मुझे लगता है कि खुद के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है, और अब मुझे लगता है जैसे बाहर दुनिया है ना, वही दुनिया अंदर होती है, पर उन 17-18 जितने लोग हैं उनमें होती है वो पूरी दुनिया। वहाँ पे भी वही इंसान जीतता है जो दिल से अच्छा होता है। मुझे नहीं है उस बात पे बिलीव कि सब प्री प्लानिंग है, ये है, नहीं होता यार, जो अच्छा होगा ना वो जीतेगा। और जैसे ज़िंदगी में हम सिचुएशन बेस्ड चीज़ें कर देते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं कभी बुरे हो जाते हैं, वहाँ पे भी वैसा ही होता है। तो वो इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ कि मतलब अगर आप इतनी, आप में इतनी करेज हो कि आप दुनिया को दिखा सको कि आप कैसे हो, क्योंकि आज तक लोग मुझे जानते हैं, मेरे इंटरव्यूज से मुझे जानते हैं, उनको थोड़ा बहुत पता है पर उनको मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता। तो अंदर तो आप, अंदर आप चीट नहीं कर सकते। इस बार कौन आपको स्ट्रांग लग रहा है, किसका आप किसे सपोर्ट कर रही हैं, किसे लगता है कि नहीं ये जो कर रहा है वो ठीक नहीं है? जैसे मैंने बोला कि सब सिचुएशन बेस्ड होता है, आज आप किसी को सपोर्ट करोगे कल को वो कुछ उल्टा कर देता है, तो आप किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये है कि हाँ, मैंने अभिषेक के लिए ट्वीट किया, ट्वीट नहीं सॉरी, उसके लिए लिखा था और पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे जब पोकिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि हाँ मुझे बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम पे। मुझे एज अ ह्यूमन, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे लगा था कि वो गलत है, बट यहाँ पे ना सब सही और सब गलत है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं उस सिचुएशन पे मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही थी। आगे मतलब किसी ना किसी में, अब जो टॉप 5 है उनमें सब में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा है, तो कैन नॉट, मतलब चूज़ नहीं कर सकती एक। हाउ डू यू सी अंकिता एंड विक्की? थिंक आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अंकिता जी अच्छी लगती हैं। कि वो भी मैं ऐसे बोलूँगी, मैं नई थी इंडस्ट्री में, एक अवार्ड चल रहा था जहाँ पे वो मेरे आगे बैठी थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था तो मैं देखती रह गई थी, शी इज़ सो ब्यूटिफुल, उनकी पूरी बॉडी ग्लो करती है। और जब पवित्र रिश्ता था तब तो मैं शिमला में थी, स्कूल में थी, वैसे देखती थी उनको। तो मुझे लगता है कि लोग ना, जब हम इंडस्ट्री में आते हैं, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, आप फर्स्ट इम्प्रेशन भूल जाते हो, पर मैं हमेशा फ़र्स्ट इम्प्रेशन याद रखना चाहती हूँ, तो उनको वैसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। बाकी अंकिता जी और विक्की के बारे में मुझे लगता है कि
जो कपल्स होते हैं ना, कपल्स के बारे में कभी तीसरे इंसान को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हमेशा साथ हो जाते हैं। तो ये मैं रियल लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ, इसलिए कि किसी भी कपल के बारे में मत बोलो। हम आज ज्ञान देंगे, जैसे मेरी रूममेट आएगी और वो बोलेगी कि नहीं यार, वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोलेगी या मेरी कोई फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोलेगी, कट टू अगले दिन वो दोनों साथ होते हैं। तो मतलब एवरीथिंग इज गुड यार, वो दोनों मतलब गॉड ब्लेस देम। शिव्या, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती थी कि आज का हर एक जो यूथ है ना, हम देखते हैं सबको इन्फ्लुएंसर बनना है और एक्टर बनना है, सबको एकदम शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं, लाइक रील्स पोस्ट करना, फोटोज निकालना एंड एवरीथिंग। क्या आपका भी बचपन से सपना था एक्टर बनना, एक तो वो, और दूसरा आप आज वाले ट्रेंड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैंने होश भी नहीं संभाला था तब मैं एपिसोड्स देखती थी और जब बच्चों के साथ खेलती थी उनको रिक्रिएट करती थी, तो मुझे बहुत शौक़ था। मैं अपनी बहन को कैमरा बनाती थी, खुद का नाम चांदनी रखती थी और बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ आती थी, और वो सब मैं बचपन से करती थी। फिर बीच में एक फ़ेज़ आया जब पढ़ाई और ये सब हम करने लगे और मैं भूल गई कि मुझे एक्टर बनना था। उसके बाद वापस से मुझे समझ आया कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी उस वक्त मुझे समझ आया कि यार मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। और अंदर से मैं ना कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाती थी, मैं लिखना चाहती थी, मैं शायरी करती थी, तो वो जो आर्टिस्ट था वो मेरे अंदर से हमेशा अंदर से बोलता था और अंदर हमेशा था। फिर मतलब गॉड विलिंग मेरी जर्नी एक रही है जो आप लोगों को पता ही है। जहाँ तक कि मैं अभी की बात करूँ, पता है इरफान खान की वाइफ हैं, उन्होंने एक वीडियो में ये बोला था, बाबिल जुन के बेटे, उन्होंने वो रील पोस्ट की थी जिस पे मैंने कमेंट भी किया था कि हिंदुस्तान में ना बहुत आर्टिस्ट हैं पर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, मिडिल क्लास में होने की वजह से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना वो अपना आर्ट को फॉलो नहीं कर पाए हैं। क्योंकि टू बी वेरी ट्रू, जब आपके ऊपर बहुत बर्डन होता है ना, और ये सच्चाई है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो आप क्या चूज़ करते थे? पहले हमारे शिमला में भी दो चीज़ें थी, या तो आप डॉक्टर बनोगे या आप इंजीनियर बनोगे, तो आप आर्ट को फॉलो नहीं करते थे। कितने ही ऐसे आर्टिस्ट ना आर्ट को फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर को संभालने की। या बोलते हैं ना कि पहले लड़कियों की शादी उस घर में की जाती थी जो लड़का गवर्नमेंट जॉब करता था, क्योंकि बोलते थे कि परमानेंट जॉब है। हाँ, वो एक स्टोरी है जिसमें बहुत सारे कलाकार हमारे नहीं आ पाए और बहुत कम थे, बहुत कम, जैसे मैं कहूँगी, अपनी बात नहीं करूँगी, बहुत कम लड़कियाँ, बहुत कम लड़के हैं जो नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, जिन्होंने थोड़ा ना दम रखा कि कोई बात नहीं, अपने सपने के लिए लड़ेंगे, ये करेंगे। और भगवान की दया से हमें, क्योंकि उसमें आप बोलोगे कि शोज़ मिलते रहे, थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता रहा, काम मिलता रहा ना, तो हमें भी अंदर रहा कि ओके हम कुछ कर सकते हैं। बट ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता है। तो अगर मैं इन्फ्लुएंसिंग की बात करूँ, सोशल मीडिया की बात करूँ, तो बेशक उसने हेल्प किया है उन आर्टिस्ट को जो गांव में कहीं पे बैठे थे कि कोई बहुत अच्छा डांसर है और उसने रील डाली है और वो उसको किसी तो कोरियोग्राफर ने और किसी डांस रियलिटी शो में किसी ने ढूंढ लिया है, और आपने उस आर्ट को, उस आर्टिस्ट को बॉम्बे लाया, उसने अपना आर्ट फॉलो किया, पर वो पैशनेट थे, वो आर्टिस्ट ही थे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि आजकल ना बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, वो मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि आप आर्टिस्ट ही हो, कोई सच में साइंटिस्ट भी हो सकता है, उतना दिमाग हो सकता है, कोई कुछ और भी हो सकता है। बट अभी प्रॉब्लम क्या होगी है कि लोगों को और बच्चों को ये लगने लगा है ना कि वैलिडेशन ही सक्सेस है, फॉलोअर्स ही सक्सेस है, अगर आप फेमस नहीं हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। इसमें और आर्ट में ज़मीन और आसमान का अंतर है, और बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं इसमें, और उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो, उनको ये लगता है कि अगर मतलब मैंने एक US का कोई शो था जहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि मेरी मम्मा पापा के फॉलोअर्स नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। तो
ये कैसे इरेडिकेट होगा? और जहाँ तक डिजिटल इंडिया हुआ है, जितना इसका बून है ना, जितना इसकी पॉजिटिव चीज़ें उतनी नेगेटिव भी है। पॉजिटिव वही हुई कि आर्ट को प्लेटफॉर्म मिल गया। जितने भी आज टॉप पे क्रिएटर्स हैं, जिनके भी आप नाम ले लो, वो बहुत ऑथेंटिक थे और हैं, उनके अंदर आर्ट था, उन्होंने अपनी ऑथेंटिक साइड दिखाई है। वो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक्टिंग करती हूँ ना, मैं एक्टर हूँ, बाय प्रोडक्ट है फेम और पैसा, मुझे उसका मिलता है कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूँगी मुझे काम मिलेगा, उसका उसकी वजह से पैसा मिलेगा, उसकी वजह से फेम मिलेगा। पर मैं काम इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे फेम चाहिए, मुझे काम से प्यार है, मैं इसलिए करती हूँ। ये कन्फ्यूजन है आज की जनरेशन का। वो देख रहे हैं कि यार फेमस होते हैं, पैसा कमाते हैं, हम कहीं पे मतलब उनको वो बोलते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, कितने लोग छोड़ के भाग जाते हैं। वो रीज़न ये है कि अगर आप प्यार नहीं करते ना, जो आप आर्ट से पैशन नहीं है ना आप में, और उन दिनों के लिए रेडी नहीं होना जब आपके पास कुछ नहीं होगा होप के अलावा, तो सस्टेन नहीं करोगे। बट इन्फ्लुएंसिंग ने जल्दी पैसा, जल्दी फेम ये देना शुरू किया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। उनको लग रहा है कि ओके, हमें और कुछ नहीं करना। मे बी जो लड़की कल्पना चावला बन सकती थी, जो पीवी संधू बन सकती थी, जो सानिया मिर्ज़ा बन सकती थी, वो किसी और ट्रैक पे भी जा रही है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, अपने बच्चों को ग्रो होने दो, उनको बाकी चीज़ें भी दिखाओ फ़ोन के अलावा। क्या पता यार आपके बच्चे में कोई वो चीज़ हो जो किसी में भी ना हो, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा यूनिक है। और उस टैलेंट के साथ सोशल मीडिया को मिक्स कर दो तो आप तो कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो। तो ये एक चीज़ मुझे लगती है जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो चुका है हमारे जगह पे, एंड इट इज़ स्टिल अ वेरी डिबेट करने वाला टॉपिक जिसमें हम किसी सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते। चलिए, ये तो रही जो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एंड आई होप कि लोगों को समझ में आए और इस थोड़ा ध्यान रखें बच्चों के ऊपर। लेकिन मुझे जानना है कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आपका क्या स्टेटस है? देखिए, हम हैं राम जी, सीता जी, पार्वती, शिव पार्वती, राधा कृष्णा की जनरेशन, मैं खुद को वो मानती हूँ। तो मेरे लिए वैलेंटाइंस डे ही एक दिन प्यार का नहीं है, मेरे लिए हर दिन प्यार का है। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे, मैं चाहती हूँ कि जैसे अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है बात करने के लिए, तो मैं ये चीज़ें अच्छे से लोगों को बताना चाहती हूँ जो कंफ्यूज हो गए आज के टाइम पे, कि अगर अल्फा मेल है ना कोई, तो वो महादेव है, वो श्री कृष्ण है, वो श्री राम है, हमारे अल्फा मेल। और अगर हमारी फेमिनिन है, वो राधा है, सीता है, वो पार्वती हैं। तो अगर आप इन दोनों को देखो, तो शिव कहते हैं कि शक्ति के बिना मैं शव हूँ, इसीलिए वो अर्धनारेश्वर हैं। तो वो इक्वालिटी की जो बात है ना, वो यहाँ है। ये है प्यार मेरे लिए, कि शिव जी का रुद्र रूप सिर्फ तब देखा गया था जब सती दहन हुआ था। शिव अपने रुद्र रूप में गए थे और वो मतलब सती की बॉडी लेके घूमते रहे, वो इतने खो गए थे कि मेरी सती चली गई है। वो प्यार है यार। तो अगर प्यार आज की जनरेशन को सीखना है, तो इनसे सीखो। और अगर लड़कों को कहना है कि यार हम माचो मैन हैं, हम अल्फा मेल हैं, तो ये हैं अल्फा मेल हमारे, हमें किसी और को बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग हैं। और अगर आपको प्यार देखना है, अगर आपको साथ देखना है, तो इनसे सीखो ना। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए प्यार तो हर दिन है, और ये मेरे एपिटोम ऑफ लव है। मैंने तो स्टेटस पूछा था सिंगल कमिटेड, वो वाला महादेव मिले हैं या नहीं है। डेफिनेटली देयर इज समवन वेरी स्पेशल इन माय लाइफ, पर हाँ इतने छुपा के कैसे रख पाए आप? मतलब छुपाया नहीं है, मुझे लगता है हर एक इंसान की जिंदगी में कोई स्पेशल इंसान होता है। और मैं बस ये अगर मुझे कुछ कहना हो तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि वो स्पेशल इंसान बहुत स्पेशल है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी लाइफ सब बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो मैं तब तक बात ना की जाए जब तक सब कुछ परमानेंट ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच शिव्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और आपने जितनी अच्छी बातें बच्चों के लिए, जो आज की जनरेशन के लिए की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। थैंक्स अ लॉट, एंड वी होप कि हम
जल्द वापस मिले, जैसा कि आपने भी मेंशन किया, और आपके प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यूज करें। बिल्कुल, हम मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं इतनी बातें कहती हूँ आज की जनरेशन की, आज के कंटेंट की, तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि जो मेरा शो आ रहा है वो आप लोग देखो, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।